भाई और बहनों, असम और नॉर्थ ईस्ट के लिए ये दोहरी बधाई का दिन है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा रोड ब्रिज और रेल रोड ब्रिज दोनों असम की धरती पर है। ये मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार का सौभाग्य है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के इन दोनों महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने का अवसर हमें ही मिला। पिछले वर्ष मई में सदिया में भूपेन हजारिका ब्रिज का लोकार्पण करने आया था, तो आज बोगी मिल में आप सभी के बीच हो। भाइयों और बहनों, बीते 4.5 वर्षों में ब्रह्मपुत्र पर बनाए ये तीसरा ब्रिज है। आजादी के 60-70 वर्षों में ब्रह्मपुत्र पर 3 ब्रिज बने, 60-70 साल में 3 ब्रिज, और बीते 4.5 वर्ष में भी हमने 3 ब्रिज और बनाए हैं। 5 नए पुलों के निर्माण की प्रक्रिया भी चालू हो चुकी है। जब ये सारे पुल तैयार हो जाएंगे तो ब्रह्मपुत्र के उत्तर और दक्षिण के किनारों के बीच कनेक्टिविटी तो सुदृढ़ होगी ही, यहां उद्योग और कारोबार का भी नया अध्याय लिखा जाएगा। साथियों, यही तो सुशासन है, यही तो सुराज की तरफ बढ़ते हमारे कदम है। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि विकास की यही गति असम के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर बदलने वाली है। भाइयों और बहनों, संभवतः आज यहां पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तब भी यहां आए होंगे जब 16 वर्ष पहले अटल जी यहां पहुंचे थे। तब से आज तक एक पूरी पीढ़ी बदल चुकी है। आपने सच में बहुत लंबा इंतजार किया, सब्र किया है। साथियों, आपकी बरसों की मांग के बाद इस पुल से जुड़ी प्रक्रियाएं 2 दशक पहले शुरू हुई, लेकिन सच्चाई यही है कि इसका निर्माण अटल जी के अथक प्रयासों से ही शुरू हो पाया। लेकिन यह दुर्भाग्य रहा कि साल 2004 में अटल जी की सरकार चली गई और उनके शुरू किए गए तमाम प्रोजेक्ट की तरह ही नॉर्थ ईस्ट की एक संपूर्ण महत्वपूर्ण परियोजना भी लटक गई, अटक गई। भाइयों और बहनों, आप सभी साक्षी हैं कि साल 2014 तक कैसे यहां पर सिवाय सिर्फ कुछ आधे अधूरे खंभों के कुछ नहीं दिखता। स्थिति ये थी कि जब 2014 में हमारी सरकार आई तो इस पुल का आधा काम आधे से भी ज्यादा अधूरा पड़ा था, बाकी पड़ा। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर अटल जी की सरकार को फिर अवसर मिलता तो 2007-08 तक इस ब्रिज का लोकार्पण हो जाता। लेकिन उसके बाद जो सरकार केंद्र में आई उसने आपकी जरूरत पर ध्यान ही नहीं दिया। सरकार बनने के बाद हमने इस प्रोजेक्ट की राह में आ रही सारी बाधाओं को दूर किया और गति दी, और करीब 6000 करोड़ रुपए की लागत से बना बोगीबील पुल जन सामान्य की सेवा के लिए आज समर्पित है। अटल जी के जन्मदिवस पर उनका ये सपना पूरा करके कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें आज उत्तम श्रद्धांजलि दी है। पूर्वोत्तर के अनेक लोगों को आज ये उपहार मिलता देख वे जहां भी होंगे, उनकी आत्मा जहां भी होगी वह बहुत खुश होंगे
ये आपके चेहरे पर जो खुशियां दिखाई रही है उसे देख करके अटल जी की आत्मा ज्यादा प्रफुल्लित होती होगी।